कश्मीर को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर कैबिनेट से पूर्ण राज्य बहाली का प्रस्ताव पास हो गया है। ये सूत्र बता रहे हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर सौंपेंगे प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश बनने के 5 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो गए और सरकार भी बन गई। उमर अब्दुल्ला मंत्री बन गए और उनकी पार्टी ने चुनाव में 370 और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। ऐसे में लगातार आप देखिए कि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद को संभाला है बुधवार को। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से अब ये बड़ी खबर सामने आ रही, जम्मू कश्मीर को लेकर ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, जहां पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास, सूत्र ये बता रहे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जम्मू कश्मीर में सरकार तो बन गई और अब यही एक बड़ा सवाल कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही, सूत्र बता रहे कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट से पूर्ण राज्य बहाली का प्रस्ताव पास हो गया है। बिल्कुल, देखिए ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि जब चुनाव प्रचार चल रहा था, जब उमर अब्दुल्ला चुनाव प्रचार में थे, फारूक अब्दुल्ला चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो एनसी का जो सबसे बड़ी बात थी वो यही कही गई थी कि हमारी पहली कैबिनेट की बैठक में हम पूर्ण राज्य का दर्जा स्टेट को दिलाने के लिए, जम्मू कश्मीर को दिलाने के लिए हम प्रस्ताव पारित करेंगे। और ये बात जब भी पूरे चुनाव के दौरान कई बार दोहराई भी गई थी और ये कहा गया था कि अगर सत्ता में वापसी होती है तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में अगर कोई पहला मुद्दा जिस पर चर्चा होगी तो वो ये होगी। लेकिन बात समझने की यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि चाहे अक्सर 370 का जिक्र आता है, जिसको अमित शाह कह चुके हैं कि वो बात खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है, 370 को दोबारा रिवोक नहीं किया जाएगा। ठीक वैसे ही पूर्ण राज्य के दर्जा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान तमाम बातें कही थी, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात है और इसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि ये सेंट्रल के अंदर आता है। पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए संसद के अंदर कानून में बदलाव होगा, पूर्ण राज्य के लिए सेंटर होम मिनिस्ट्री इसको की तरफ से बहाली होगी, दर्जा दिया जाएगा। इसलिए ये बात अलग है कि ये राजनीतिक मूव है जिसमें एनसी ने जो वादा किया था वो अपने कैबिनेट की बैठक में, पहली कैबिनेट की बैठक में इसको बात की है, लेकिन ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में स्टेट या स्टेट असेंबली में इसमें कोई रोल नहीं है, ये सेंट्रल के अंतर्गत आता है। और इसीलिए बार बार जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार के दौरान यही बात कही गई थी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ही दिलाएगी और केंद्र सरकार ही दिला सकती है। तो जाहिर तौर पे ये इसको एक थॉट प्रोसेस भी कहा जा सकता है एनसी का, लेकिन ये एक स्टंट भी है क्योंकि जो बात कही गई थी, जो वादा किया गया था, आज उमर अब्दुल्ला ने जनता को जो कहा था कि पहली कैबिनेट में हम इस पर सहमति बनाएंगे, वो बना ली है। अब इसके प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे उमर अब्दुल्ला। खास बात इसमें यह भी है कि उमर अब्दुल्ला स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट की बहाली को लेकर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। उमर अब्दुल्ला ये भी कह चुके हैं कि हमको सेंटर के साथ मिलकर काम करना है। ऐसे में जाहिर तौर पे जनता के अंदर एक अच्छा मैसेज गया है कि सरकार आई है और आने के बाद सबसे पहले हमारे हितों की बात हो रही है, तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी है और इससे प्रधानमंत्री मुलाकात करके इसकी बात कहेंगे। लेकिन ये तमाम बातों के बीच केंद्र सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं होगा तब तक स्टेट की बहाली नहीं दी जा सकती। अब बिल्कुल अदिति, और स्टेटहुड का मुद्दा अगर हम देखें तो ये पूरे चुनाव में भी रहा और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास और जम्मू कश्मीर कैबिनेट से पूर्ण राज्य बहाली का प्रस्ताव पास हो चुका है। और देखिए, उमर अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजे आने के बाद यही कहा था, मीडिया से जब मुखातिब होंगे तो स्टेटहुड का मुद्दा उठाया गया था।